गुड इवनिंग टू ऑल वेरी गुड इवनिंग बच्चों कैसे हैं आप लोग होप यू आर वेल कंचन रूबी अर्चना याशविन पवनी मोहित जया एंड एवरी वन एल्स तो बच्चों चलो शुरू करते हैं आरूज सभी बच्चे पहुंच गए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल तो आज का वर्क शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा हम इसमें लर्न कर रहे हैं है ना कुछ समय मिलेगा जैसे टुमेरो मोर we'll तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं आज की कहानी को कहानी मैं बता दूं बच्चों आपको टीजीटी के लिए है केवीएस टीजीटी में है ना टीजीटी वाले पार्ट में है हाउ द डो फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर कैसे डोग को अपना न्यू मास्टर मिला इस पिक्चर को आप आसानी से यहां पे देख सकते हैं डॉग इज देयर एंड वन वुल्फ इज देयर विद इट आप पूछेंगे हु इज द राइटर ऑफ दिस ऑथर कौन है तो बच्चों ऑथर इज अननोन अननोन ऑथर है किसी का इसका नहीं पता है कि ऑथर कौन है बट ये वर्क आपके सिलेबस में है तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इस वर्क की हम देखते हैं जरा इस वर्क में है क्या तो सबसे पहले इसकी हल्की सी रीडिंग करेंगे <coughs> तो पढ़ने से पहले एक बात करते हैं यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर रिलेटेड डॉग कुत्ते जैसा वुल्फ दिखता है यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ अदर ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन देंचुरी डोमेस्टिकेटेड कैसे उनको डोमेस्टिकेट किया है टेम किया है उनको पाला है

मतलब तब तक जब तक एक डोग ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बड़ा प्लीज था मतलब बड़ा परेशान था इससे इस लाइफ से ही वो खुद का फूड ढूंढते बच्चों परेशान हो चुका था वॉन्ड्रिंग अबाउट हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटेंड डरते हुए ताकतवर थे जैसे भाई डोग से ताकतवर बहुत सारे जानवर है उनसे डर रह के वो बड़ा रहता था खाना उसे ढूंढना पड़ता था <coughs> He thought it over. उसने इसके बारे में सोचा एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ मतलब उसने सोचा ऐसे पर्सन का ऐसी चीज का मतलब किसी का भी जानवर का मैं सर्वेंट बन जाता हूं जो मेरे से इस दुनिया में सबसे ताकतवर हो अर्थ पे एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर उसने ऐसा तय कर लिया और बाहर निकल पड़ा

कोई मुझे मिल जाए जो मेरी सेवा ले मेरी सर्विस ले वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर तुम बनोगे बोल आई डोंट सी वाई नोट मुझे नहीं लगता कि मैं क्यों नहीं बनूंगा वुल्फ ने कहा बिल्कुल बनूंगा This agreed upon the two of them went together और फिर वो साथ साथ हो लिए They walked and they walked चलते गए and all of a sudden the wolf lifted his nose and snapped अचानक से बच्चों वुल्फ ने अपनी नाक उठाई और सूंघा डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ पाथ से एकदम से हट गया डार्ट हो गया मूव कर गया एंड इन टू द बुशेज और बुशेज में घुस गया झाड़ियों में एंड क्रैप्ट डीपर इन टू द फॉरेस्ट और जो जंगल था उसमें और अंदर चला गया द डॉग वॉज मच सरप्राइज बड़ा सरप्राइज हुआ वट हैज कम ओवर यू मास्टर तुम्हें क्या हुआ मास्टर वट हैज एंड यू सो तुम्हें कांट यू सी देर इज अर आउट देयर

गायों के झुंड को देखते हैं आई विल किल काउ मैं गाय को मारूंगा एंड देन वी कैन बोथ इट अवर फेल पेट भर के दोनों खाएंगे गाय को मार के खाएंगे यानी इसका कहना यह है दे वॉक एंड सून सो अर्ड ऑफ काउज उन्होंने गाय का एक झुंड देखा बट जस्ट एज देवर अबाउट टू कम अप अपू इट देवर स्टॉप बाई ए टेरिबल नॉइज जैसे ही मतलब उनपे झपटने वाले थे अचानक से टेरिबल नॉइज ने उन्हें रोक दिया द काउज वर लाउडली जोर जोर से रंभा रही थी एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन हर तरफ भाग रही थी इधर उधर उनमें भगदौड़ मच गई थी द बीयर लुकड आउट भालू ने देखा फ्रॉम बिहाइंड ट्री एक पेड़ के पीछे छुप के एंड देन ही टू हेस्टली वो भी तेजी से भाग गया डीपर इन टू द फॉरेस्ट जंगल के अंदर भागा नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर मैं यहां आया ही क्यों सेड ही टू द डॉग डॉग को उसने कहा लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट अरे भाई शेर है जो यहाँ पे रूल करता है ये देखो ये छुपा हुआ है बियर है ना और ये गाय है आप इधर उधर भाग रही है तो ये इसे कह रहे हैं मैं आया ही क्यों है? भगवान मैंने क्या कर दिया द लायन हु इज ही वो कौन है लायन कौन है भाई किसने कहा डॉग ने डोंट यू you नो know, तुम्हें नहीं पता ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बी स्ट ऑन अर्थ सबसे ताकतवर तो शेर ही है वेल देन आई विल से गुड बाई टू यू मिस्टर बियर I want a master who is stronger than anyone or not. End of the dog went to the uh, ask the lion to be his master. वो गया कि भाई मेरे मास्टर बनोगे? Lion agreed. उसने कहा हाँ भाई. Dog stayed with him and served him for long and long time. खूब दिन तक उसकी सेवा की. It was a good life, बढ़िया life थी. And he had nothing to complain of. कोई complain नहीं थी. For there was no stronger beast in the forest than the lion. कोई भी उससे ताकतवर नहीं था. No one dared touch the dog or offended him in any way. ना ही किसी ने टच किया इतने दिन तक किसको बच्चों डोक को और ना ही उसे गुस्सा दिलाया उसको ऑफेंड किया बट ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड एक साथ चल रहे थे पाथ रास्ते में दैट रेन अमिड बेयर क्लिप्स जो क्लिप्स के बीच से होके जाता था है ना नंगी क्लिप के बीच से होके वेन ऑल ऑफ सडन द लाइन स्टॉप लाइन एकदम से रुका ही गेव अ ग्रेट रोल और जोर से दहाड़ा एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग और पंजे से अपनी जमीन को पाव से जमीन को फाट डाला विद सच फोर्स इतने फोर्स से दैट अ होल देयर कि वहां पर गहरा गड्ढा हो गया होल बन गया देन ही टू बैक अवे वेरी क्वाइटली धीरे धीरे पीछे हट गया इज इट मास्टर ये क्या हुआ मास्टर इज एनीथिंग रोम कुछ गलत है क्या कुछ दिक्कत है क्या आज दोग ने सरप्राइज होकर पूछा आई स्मेल मैन कमिंग दिस वे यहां पे एक आदमी की बू आ रही है द लायन सेड रन फॉर इट अच्छा होगा हम यहां से भाग जाए और वी विल बी इन ट्रबल नहीं तो मुश्किल में आ जाएंगे गुड बाई टू यू लाइन आई वॉन्ट मास्टर देन एनी वन ऑन द अर्थ एंड ऑफ द डे डॉग इसके बाद ज्वाइंट द मास्टर मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व फेथफुली वो फिर आदमी के साथ आ गया उसको फेथफुल्ली सर्व किया दिस हैपन लोंग लोंग बहुत पहले हुआ था बट टू दिस डे द डॉग इज मैं मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोन एज नॉन नो अदर मास्टर किसी दूसरे मास्टर को नहीं जानता तो बच्चों बताइए मुझे कहानी कैसी लगी आपको हाउ डिड यू फाइंड द स्टोरी हाउ डिड यू फाइंड द स्टोरी अर्चना कीर्ति हाँ अगर हम देखें तो लास्ट में बिल्कुल इट इज द मैन हु इज द मास्टर मैन ही मास्टर है जी जी बिल्कुल ठीक है अर्चना ये अच्छी बात है एग्जैक्टली exactly. तो चलो बच्चों इनपे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं अब आइए चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ अस मेक सम क्वेश्चंस तो बच्चों ये रहे आपके क्वेश्चंस यहां पे कहा गए क्वेश्चन तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कम्स द डोग नीडेड अ मास्टर काहे के लिए डोग को मास्टर बच्चों क्यों चाहिए था जया अर्चना रूबी याशम कीर्ति दिलीप सब बच्चे बताएं अर्चना बिल्कुल सही है ए एग्जैक्टली exactly, कीर्ति याशमिन बहुत अच्छे <coughs> राइट right, बच्चो जी बिल्कुल सही है तो हु वुड गिव हिम सिक्योरिटी आंसर बच्चों ए जाएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं द दोग वोज सिकोफ अब देखो यहां पर सिकॉफ जो लिखा है इसका मीन्स क्या है एक्चुअली बच्चों सिकॉफ का मीन्स कैसे जाता है तंगाने से अगर कोई प्रॉब्लम बार बार आती हो तो हम उससे तंग आ जाते हैं तो रिमेन फ्राइटेंड बाई स्ट्रॉगर फोर्स हिमसेल बार्किंग या फिर बेड फूड वो किससे तंग आ चुका था बताइए आप लोग यहां पे वो बच्चों किससे तंग आ चुका था तो आंसर बच्चों बिल्कुल हमारा रिमेन्ड फ्राइटेंड बाई स्ट्रांगर फोर्स एग्जैक्टली आंसर हमारा वन बनेगा दैट्स ग्रेट हिज़ डिसीजन टू चूज द लायन, लायन को चूज करने का उसका डिसीजन कैसा था वोज नॉट द फाइनल वोज द फाइनल वोज येट टू बी टेकन वोज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। बताओ बच्चों उसने क्यों चूज किया था बेसिकली लायन को एग्जैक्टली exactly डी जाएगा वोज टू प्रोटेक्ट हिम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए द डोग सर्व द लायन डोग ने लायन को सर्व किया एज इज फेथफुल सर्वेंट लॉन्ग टाइम इक्वल टू हिम या फिर बच्चों सेल्फ इज रीजन से अपने स्वार्थ की वजह से <laughs> किस वजह से उसको सर्व किया आपको बताना है एग्जैक्टली exactly, बच्चो फॉर अ लॉन्ग टाइम क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है काफी दिन तक उसको किया उसने सर्व बहुत अच्छे अप सर्विस मीन्स अगर हम टेकअप सर्विस की बात करें तो इसका मीन्स क्या होता है बी द मास्टर सर फूड बी द सर्वेंट अन हम इसे क्या मीन्स निकालते हैं बच्चों बहुत अच्छे सी बनेगा टू बी हां जी टू बी द सर्वेंट एग्जैक्टली आंसर ये बनेगा डोग स्टिफ मीन्स एक डोग स्टिप का क्या मीन्स होता है वोट डू वी मीन बाई अ डोग स्टिफ बेस्ट फ्रेंड एग्जैक्टली तो इट वुड बी मीन्स बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छे बच्चों मतलब ये स्टिल रिमेन्स कहते हैं एस टी आई डबल एल बनेगा स्टिल रिमेन्स मास्टर्स बेस्ट फ्रेंड डोग बिलोंग टू वो किसको बिलोंग करता है हर्बी बोरस हर्बी बोरस का मीन्स होता है बच्चो जो सिर्फ शाक खाता हो शाकाहारी कैनाइन मीट खाने वाला लो ब्रीड या फिर गुड ब्रिड तो बच्चो किस कैनाइन का हर्बी बोरस का लो ब्रिड का या फिर गुड ब्रिड एग्जैक्टली exactly, बच्चों canine बनेगा canine का means होता है 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 वाली family. ये बच्चों कैसी होती होती को किसने tamed किया किसने पालतू बनाया जाइंट्स ने ह्यूमेंस ने लायंस ने या बच्चों फेरीज ने एग्जैक्टली exactly, बच्चो इट वुड बी बी ह्यूम तो इट वर द्यूम नाउ वी सी द नाइन इन द स्टोरी वर देअर ओन मास्टर एंड लिव्ड इन फॉरेस्ट इस स्टोरी में कौन थे बच्चों जो अपने मास्टर थे और जंगल में रहते थे डॉग्स कैट्स टाइगर या फिर वल्फ <coughs> किसको कहेंगे आप एग्जैक्टली exactly, बच्चो इट इज डॉग्स क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इट इज डॉग्स द डॉग वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ही वोज डॉग खुश नहीं था क्योंकि वो था क्या सिक अ वॉन्ड्रर लेजी या फिर बच्चों डाइंग क्या कहेंगे हम इसमें बी आंसर बनाएंगे ओके okay. राइट right, बच्चों क्योंकि वो वर वंडर का मीन से इधर उधर घूमना पड़ता था और घूमने से तंग आ गया था तो कोई भी पकड़ के उसको कूट देता था मतलब वुल्फ मिलेगा तो कूट देगा टाइगर मिलेगा तो कूट देगा गाय मिलेगी तो जो भी चाहता था वो बी बीवन ही डिड नॉट वॉन्ट टू वो नहीं चाहता था स्टे इन फॉरेस्ट लुक फॉर फूड बी फ्री बी इन ऑन मास्टर हिज ऑन मास्टर तो बच्चों बताओ यहां पर क्या आंसर होगा आपका बहुत अच्छे बच्चों लुक फॉर फूड वो फूड की फूड को नहीं ढूंढना चाहता था उसे मुश्किल लगता था एक काम ही वॉज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज वो इतना स्ट्रांग नहीं था जैसे अदर एनिमल्स वुल्फ टाइगर बियर क्या भरेंगे आप यहां पे व्हाट वुड यू फिर द ब्लैंक बिल्कुल सही बच्चों अदर एनिमल्स तो आंसर हमारा ए बनेगा वेयर डिड बियर टेक डॉग बियर डॉग को कहां लेके गया बताओ बियर डॉग को लेके कहा गया टू द फॉरेस्ट फॉरेस्ट में टू शेयर हिज मनी हनी अपना शहद देने के लिए जैसे बियर के पास बहुत शहद हो मीट हिज फ्रेंड्स या फिर बच्चों फाइंड काउस एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही अर्चना करेक्ट बात है ये बच्चों बनेगा टू फाइंड काउज क्योंकि बियर को काउ खानी थी खुद भी खाता इसे भी खिलाता दोनों मिलजुल के खाते लेकिन वहां कौन आ गया वहां पे बच्चों बियर शेर आ गया नेक्स्ट को देखो चूज द करेक्ट सेंटेंस अब खुद बताओ बच्चों इसमें से इस करेक्ट सेंटेंस कौन सा है वुल्फ वॉज वीकर देन बियर द बियर वॉज वीकर देन वुल्फ बियर वॉज वीकर देन काउ लायन वॉज वीकर देन बियर कौन सा इनमें से करेक्ट बनाएंगे आप राइट बच्चों बिल्कुल सही आंसर ए जाएगा क्योंकि वुल्फ जो है वो बियर को देख के भाग गया तो ये उससे वीकर बनेगा बाकी वीकर सारी गड़बड़ है द स्मेल ऑफ मैन द लायन मैन की जो स्मेल थी उसने क्या टेरिफाई किया उसको टेम्पटेड किया मतलब आकर्षित किया अट्रैक्ट किया टेम्प्टेड का मीन से लालच दिया रेपेल्स किया उसको मतलब दूर हटाया रेपेल होगा क्या बनाएंगे बच्चों इसमें एग्जैक्टली exactly, प्यारे बच्चों इट वुड बी टेरिफाइड उसे डरा दिया द लायन वॉज द बेस्ट चॉइस फॉर डॉग बिकॉज क्यों था लायन उसकी बेस्ट चॉइस इसके पीछे रीजन क्या था बच्चों द लायन वॉज द बेस्ट चॉइस फॉर डॉग बिकॉज एग्जैक्टली exactly सीनू जी मोहित बिल्कुल ठीक है बच्चों लाइन वॉज द बेस्ट चॉइस फॉर डॉग क्यों क्योंकि ही ही सेफ सेफ वो safe था द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल अब लाइन के लिए है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट था ही गोट इन फूड इनअ फूड मिलता था ऑल ऑफ दीज बनेगा बच्चों इसमें <coughs> तो इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाएगा ना अच्छा एक बात समझ में नहीं आई प्यारे बच्चों यहां पे लिखा है द लायन वॉज द बेस्ट चॉइस फॉर द डॉग अब इस पॉइंट को देखते हैं एक बार अगला देखो बच्चों द लायन वोज स्टॉप एज ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं है ना कहीं जाना मत सब बच्चे एक अच्छा पॉइंट मिलेगा द लायन वोज स्टॉप एज ही एंग्री जेंगरी मैन रॉरिंग या फिर बच्चों वॉकिंग बी बनेगा ऑल राइट right, बच्चो स्मेल्ड मैन द लाइन डिसाइडेड टू द मैन लाइन ने डिसाइड किया क्या करना एनकाउंटर करना मैन को रन अवे फ्रॉम मैन या फिर बच्चों सरेंडर टू मैन उसे सरेंडर करना तो बिल्कुल बच्चों ये आंसर जो हमारा बनेगा रन अवे फ्रॉम दूर भागना क्योंकि आदमी इतना ताकतवर है सभी दूर भागते हैं अब जरा बच्चों मुझे एक बात बताओ ये क्वेश्चन तो हमारे हो गए हैं पूरे हम जरा इस पैसेज पे आते हैं देखो यहां पे लिखा है क्या लिखा है क्या लिखा है पे डोग्स वर है ना डोग वोज ये ही लिखा है फिर ही ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वोज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन बताओ बच्चों ये ही क्यों यूज हुआ वहां पे मोनिका याशविन कीर्ति कंचन अर्चना सीनू मोनिका जया सब बच्चे बताएं भाई अगर मैं कहूं प्यारे बच्चों आपको तो जितने भी एनिमल्स हैं हमारे उनके लिए इट होता है इट्स अ डॉग द डॉग हैज ईटन इट्स हिज फूड नहीं द डॉग है इट्स इट्स फूड अपना भोजन खाता है इन्होंने क्या कर दिया इन्होंने तो ही कर दिया हमें ही की जगह इट्स करना होता है इज को इट्स इट इज अ डो करना होता है ये क्या कर दिया उन्होंने ये तो बताओ ह्यूमन जैसी ट्रेड शो कर रहे हैं ओके अर्चना एग्जैक्टली सीनू बिल्कुल ठीक और आपने भी सही कह दिया है अर्चना एक्चुअली बच्चों ध्यान से देखो ही का मतलब है यहाँ पे वो थॉट थिंकिंग भी कर रहा है भाई डो कहाँ सोचता है सोच भी रहा है डिसाइड भी कर रहा है बोल भी रहा है फ्राइटेंड भी है सारे काम फूड भी ढूंढ रहा है इसका मतलब इसको परसोनिफाई किया है परसोनिफाई अउ इज एनिमल काउ हैज इट शी हैज फोर लेग्स शी क्यों यूज करते उसे तो इस लाइन में प्यारे बच्चों परसोनिफिकेशन है क्या किया गया है यह स्टोरी बच्चों को सिखाने के लिए परसोनिफाई करके लिखी गई है तो यू वुड फाइंड द परसोनिफिकेशन डिवाइसेस वन ऑफ द डिवाइसेस ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच हेयर यूज करेक्ट बच्चों तो चलिए आज इतना काम कर लेते हैं मुझे बताइए सब बच्चे समझ में आया आपको बढ़िया लगा बच्चों ठीक है बच्चों ठीक है तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन बने तो वो परसोनिफिकेशन बनाएगा वहां पर ऑल राइट बच्चों थैंक यू सो मच है ग्रेट टाइम बाय मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम कल और सभी बच्चों को 26 सिक्स जैन यानी कि रिपब्लिक डे की अभी से बहुत सारी बधाइयां ऑल राइट जी बच्चों